मैं अपनी जानू के लिए आज ब्लैक पर्स लूंगा, वो भी कढ़ाई वाला, कसम से। ओ क्या बात है, क्या बात है। लेकिन एक चीज है कि फील बड़ी आ रही है इसमें, या व्हाइट कलर है इसलिए। क्या हो गया, कह रहे फील आ रही है, फील आ रही है इसकी, वो है ना टाइल भी बड़ा ना एकदम, नहीं व्हाइट है ना इसलिए। देखो भाई डल लेक, अभी आज कुछ आज मजा नहीं आ रहा, कुछ लाइट ही नहीं है आज, पता नहीं। एक्चुअली सेंसर लगे हैं, यहाँ से आवाज जाती है नीचे काउंटर तक ऑर्डर। ठीक है, आज पूरा हमें चढ़ाएंगे, बिल्कुल चढ़ाएंगे। इधर से आप इधर मेरा वो नाम लिखा हो ना पीछे, मतलब 1986 में मैं इधर आ चुका हूँ। अच्छा, अब ये डल छोटा था, आज बड़ा हो गया है। 176 किलोमीटर 5 घंटे में, 6 घंटे में, और एवरेज स्पीड 30 की रही है। पहाड़ी एरिया था, इतनी बनती है, अब इससे ज़्यादा क्या ही देगी, क्योंकि गाड़ी चली भी बहुत तेज़ है, इतना स्मूथ हम चलाते भी नहीं है कि हम बोलेंगे गाड़ी 10-12 की माइलेज थे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं श्रीनगर लाल चौक में, इस टाइम मरीना के पास। अब यहाँ पे अंदर वेट कर रहे हैं सब, चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ओहो बड़े भैया पहुंच गया, बड़े तेज आए हो आप, रहने दो, इतनी देर थोड़ी आना था। आपने राशन भाई ने तो स्पीड पकड़ी थी। क्या ऑर्डर किया बड़े भैया? हाँ यार, शेक ऑर्डर किया है, फ्रूट सैलेड मेरे लिए, पीच नट्स, पीच शेक, पीच स्ट्रॉबेरी। अच्छा, मेरे को 4:30 मेरे लिए गई, एक का मैंने किया ना आपको। बाकी सर हैं बड़े, बाय बाय करो ना, बताना तो नहीं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज हमें मिस हो गया एक चीज। क्या? तो सिद्धार्थ साहब ने बोला था कि हाईवे से चलेंगे, तो मैंने कहा नहीं पामपुर से चलेंगे, वो थोड़ा सा राइड पे रह गया, बाकी हम पहुंच चुके हैं। तुम्हारा ब्लॉग हाईवे वाला बहुत मस्त था ना, तो और वहां से हो गया था मालूम, तो नहीं तो हम वहां पे तुम अपनी उस गाड़ी को वो करते थे क्या, स्पीड जो तुम वो बढ़ाते हो पिछली बार, वो कर लॉन्च कर दिया लॉन्चिंग का, लॉन्च जो यहां पहले से मार दिया कल मेरा बीच गया, क्योंकि भाई मेरे से बहुत पहले से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भैया ये पहले से मुझे लगता है कि आपने मिक्स कर दिया कुछ ना कुछ आइस वगैरह। एक्चुअली सेंसर लगे हैं, यहाँ से आवाज जाती है नीचे काउंटर तक ऑर्डर। पहले के मुकाबले में ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर्फ आइस वाइस के बीच, आइसक्रीम का कोई टेस्ट नहीं, पाइनएप्पल का कोई टेस्ट नहीं, आपका पाइनएप्पल था और मेरा ब्लैक करंट था। तो यहाँ से जब भी आओ यहाँ से आवाज मारनी है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बस आज यहाँ से आ गए। पहचाना भी है इनको? ओ क्या बात, मैं तो शुरू में यहीं पे आता था पहले इनके पास, और क्या, मुझे नहीं कभी यार लेके आए, पूरा हमें चढ़ाएंगे, बिल्कुल चढ़ाएंगे। और क्या, ये आसिम भट्ट साहब है, मैं इनसे पहले शायद 1.5 साल पहले आया था, लेकिन ये नहीं आया, आया नहीं कभी इधर, मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू भैया, तू अपनी की दसने और क्या, कौन है ये ऐसी, आप कब से आ रहे हो? घंटा घर निकल गई, पुराने वाला बड़ा था बाबजी, कितने इंच छोटा कर गए? मेरे ख्याल से 2.5 फुट कर गए छोटा। ओह माय गॉड, तो ब्लॉग बोल दिया ना 2.5 फुट उसके क्लच में और इसमें फर्क है। अच्छा, ये सॉफ्ट है, वो थोड़ा सारा हार्ड है, थोड़ा सारा और चलाने में डार साहब का पांव पड़ता है, थोड़ा हैवी है। नहीं अभी पड़ा नहीं उनका, अभी उनके बेटे का पड़ रहा है फिलहाल, मतलब उनका पड़ेगा फिर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, अल्लाह ही करे फिर, क्या पता क्लच रहेगा नहीं रहेगा।
फिर और बताओ और बस फिलहाल ठीक है। स्टीयरिंग रिस्पांस कैसा है? हां ठीक है। वो नहीं है, वो स्विफ्ट नहीं है, इसको मोड़ना पड़ता है। पहुंचे हैं ना परसों, उनका पांव की और पड़ेगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं तहसीलदार साहब, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, ठीक ठीक बोल रहे हैं। आप मेरी सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं नहीं मैं आपके साथ। ऐसी कौन सी बात है? पक्का भाई यार, मुझे सीधा को बोलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि फील बड़ी आ रही है इसमें, या वाइट कलर है इसलिए। चीता भी कल 18 इंच लाइट डलवा देंगे। नहीं नहीं वाइट कलर है इसलिए ज्यादा वाइट। क्या हो गया? कह रहे हैं फील आ रही है। फील आ रही है इसकी, वो है ना टाइल भी बड़ा ना एकदम। नहीं वाइट है ना इसलिए। लेकिन जरा फील पे जो किया कार्निवल से, जो कुछ भी कार्निवल नहीं, कैरन कैरन जड़ी भी है माय नाम नहीं पता यार आपको। किया कैरन भी जरा फील है, कुछ नहीं कुछ भी नहीं। नहीं आज उसने फील तक नहीं, मैं वो निहाल ही तक आ जाऊं। जब निहाल वो क्या बोलता है मुबल्लिक मेरे को, बोलता मैं सब भाई एक बार आना सीधा रोड पे, अब को नहीं दूंगा गाड़ी अपना 2.2 लेके आना, मतलब इंजन, और मेरा 1.5 सिद्रा में रेस लगाएंगे, ड्रैग रेस लगाएंगे, ड्रैग रेस निहाल भाई चलाएगा। और क्या तो मुबल्लिक सीखी से मर्चेंट, तो अपना मुंडा अगर सीखी जम्मू जाई चलने लगी मुबल्लिक नहीं था जम्मू ये नहीं सीखी सकता तेरी तो। मैं उस दिन डरी है बड़े भैया, पहली बार कब आए थे आप यहाँ पर डल लेक में? पहली बार कब आए थे? 1986 में। तो वो दीदा कह रहे थे शादी के बाद पहली बार क्या? नहीं शादी के बाद तो हम पहली बार आए थे 2007 में। अच्छा 1986 में मैं इधर आ चुका हूँ। अच्छा अब ये डल छोटा था, आज बड़ा हो गया। कितने फुट? कोई मेरे ख्याल में 30-40 फुट बढ़ गया इसको फ्लड के बाद। इफेक्ट बढ़ गया। तो गहरा कितना था पहले, अब कितना? गहरा था पहले कोई 50 फुट, अब हो गया कोई 40 फुट रह गया। अच्छा गहराई कम हो गया। आज आपको ये चेक करने वाले। अच्छा तहसीलदार साहब बहुत बोल रहे हैं आपके अंदर से, क्या चक्कर है? नहीं नहीं ये सही बोल रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस बहुत है ना। ये कब आए थे 85 में? नहीं ये मेरे साथ ही आए थे एक बार, तो उसके बाद ये इधर ही रुक गए, वापस ही नहीं गए। वापस ही नहीं गए, मैं यहीं पे रहा। नहीं इनको ज्यादा प्यार था फ्लड के टाइम में, इन्होंने बहुत ताड़िया मारी, बहुत मछलियां पड़ी हुई। अच्छा और रोटी? बड़े भैया कहाँ जा रहे हो? जी वो गड्डी आई है उसके ऊपर बैठना। चलो बड़े भैया उसको क्या करें, उसको चिट्टी को क्या करें, चिट्टी को क्या करें? और आंधे कुछ नहीं ना, और ले ला अगर पुलिस वाले ले आ ले ला सो हैं। तो गाइस है बड़े भैया और पिता कह रहे हैं कि कॉफी पीनी है यहाँ पे। बड़े भैया कह रहे हैं फ्रांस का चेक। ये कहाँ से आया इसे पिता? फ्रांस कब? 6 महीने में एक ही बार आता है? 6 महीने में एक बार आता है और आता है हर बार आता है। चलो और बहुत महंगा है। क्या खिलाओगे? हमारे पास डॉलर है ही नहीं है। अच्छा चलो ना कोई नहीं है, पैसे नोट में चंदी मार के नोट है। चलो चलो छोटे भैया, छोटे और कुछ नहीं होता छोटे भैया, छोटे भैया क्या लिखा है ये? छोटे भैया क्या लिखा है, क्या मतलब होता है छोटे? अब तहसीलदार साहब के मुंह से ये बात मैं डाल सकता हूँ? आप बच्चा तो देख ना डाली शर्त है इस बात की। मुझे क्या है, मुझे क्या, मैं डाल दूंगा अब भी नहीं डालूंगा, जब तेरी प्रमोशन होगी तब डालूंगा। बड़े भाईचारे में डिसाइड हो रहा है क्या पीना है। बड़े भैया को अलग कर दिया है गैंग से। बड़े भैया क्या कहना चाहोगे गैंग से अलग होकर? शुरू से नहीं हो, छोड़ो हम अपनी टीम में। छोटे को भी साथ कर लिए इन्होंने तहसीलदार साहब को, है ना काम शाम करता छोटे मोटे हैं। दो नंबर हम नहीं करते। बड़े भैया क्या खाने लगे हो? ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, इनमें रस आई नहीं है। हाँ ना खुशबू है ना रस। ये क्या उसको भगा दिया? पापजी यार दीदा मुझे बड़ा बोलती है कभी पापजी कुछ कहते नहीं। मैं अपनी जानू के लिए आज ब्लैक पर्स लूंगा, वो भी कढ़ाई वाला कसम से। ओ किसके लिए लेने लगे हो जानू के? क्या बात है क्या बात है। नहीं मेरी खजानू नहीं है जी इसकी है। क्या सस्ता इतना 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 सस्ता नहीं लेंगे ये? इतना सस्ता नहीं लेंगे जानू के लिए? जानू ही नहीं, जानू एक्सेप्ट ही नहीं करेगी 1200 का पर्स। जानू एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक दाम बोलो मैंने लेना है, एक ही दाम मिलेगा मुझे 50 रुपए कमाना। मैं नहीं ले पाऊंगा। क्या हुआ जानू के लिए शाल देख लेते ना, शाल नहीं पसंद उसको? ये शाल नहीं पसंद उसको, बैग पसंद। ठीक है ये बैग में थोड़ा सारा कोई मुझे लग रहा था कुछ बात कुछ है
लेकिन वो जब मैंने ऐसे खोला ना जिप, हाँ, एक सिंगल पीस वैसे वो, इसमें कुछ सामान ज्यादा भी नहीं। आपने चॉकलेट ही नहीं खाई यार। ओ भाई गॉड, अलीम भाई का एस्प्रेसो दिया, चीज केक। मेरा एस्प्रेसो बहुत बढ़िया, मैंने छोड़ा एक लास्ट पे, दिखो गया था मेरे को चाचा, मेरे को चम्मच भी चाट भाई गॉड। और क्या गाइस, अब खाना छाना खाया है, उनको बिठाया भाई, बोला आप वेट करो, वो हमारा वेट कर रहे हैं, अब हम उनको लेने जा रहे हैं। अब मैं आपको पहले बताता हूँ यहाँ तक आने में कितने किलोमीटर चली है ये और कितनी माइलेज दी है इसने, पहले बताऊँ कितने किलोमीटर चली है इसको। ये 176 किलोमीटर 5 घंटे में, 6 घंटे में, और एवरेज स्पीड 30 की रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूल इकोनॉमी, और फ्यूल दी है इसने देखो 8.4 की, मतलब अच्छी दी है। मैं इतनी अच्छी ड्राइव नहीं करता, ये मामू ने चलाई है तभी इतनी अच्छी माइलेज दी इसने। मतलब भाई 176 किलोमीटर में इसने 8.4 दिखा रहा है, तो समझ लो 7-8 की दी होगी इसने। ठीक है यार, 7 की, अब पहाड़ी एरिया था, इतनी बनती है, अब इससे ज़्यादा क्या ही देगी, क्योंकि गाड़ी चली भी बहुत तेज़ है, इतना स्मूथ हम चलाते भी हैं कि हम बोलेंगे गाड़ी 10-12 की माइलेज थे। फिर भी मैं इसका टैंक टू टैंक करूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या टोटल माइलेज है, लेकिन फिलहाल 8.4 देख के अच्छा लग रहा है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि 8.4 बताएगी है। चलो, और भाई हमारा स्कोर चेक कर लो ड्राइविंग का, 100% बहुत अच्छी गाड़ी मैंने भी चलाई है और मामू ने भी। अब ये पार्किंग से निकल रहे हैं, उनको लेता हूँ मैं, और फिर आप देखते हैं होटल में जाना है या ख्याम चौक जाना है। सीखे वगैरह खाने की बात कर रहा है आसम भाई, देखते हैं अब ख्याम चौक जाएंगे या फिर कहाँ जाना है। फिर आपको मिलता हूँ मैं आगे का ब्लॉग, तभी बताता हूँ क्या करना है।